एप्रिल 2015 पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री होऊ नये यासाठी त्यावेळी जवळपास 200 दारू विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातील सुद्धा काही ठिकाणचे दारू परवाने रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर सुद्धा दारू तस्कर विविध शक्कल लढवीत दारू तस्करी करीत आहेत. वणी तालुक्यात येत असलेल्या कैलाशनगर येथून मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी होत आहे. सच टीव्हीच्या प्रतिनिधींनी स्ट्रिंग ऑपरेशन करत ही बाब उजेडात आणली आहे. वणी कैलाशनगर माथोली साखरा मार्गावरून सर्रासपणे अवैध दारूची वाहतूक सुरू असून दारू विक्रेते दुचाकीवर तसेच दुचाकीच्या आतमध्ये दारू ठेवून वाहतूक करीत आहेत. ही दारू विक्रीचा परवाना एका महिलेच्या नावाने असून अण्णा नामक व्यक्ती ही भट्टी चालवित असून मोठ्या प्रमाणात चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर कोरपना जिवती चंद्रपूर बल्लारशा यासह अन्य ठिकाणी दारूची वाहतूक होताना दिसून येत आहे. याकडे पोलीस प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे या दारूभट्टीचा परवाना रद्द करण्यात यावा, पोलीस अधीक्षकांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. गडचांदूर ले जाते, चिल्लर में बेचते हैं, सस्ता है फिर, सस्ता है बोला, डेली वाले आड़ में चिल्लर में बेचते हैं, उधर बहुत महंगा है, कुर्ता 3500 में, चिल्लर में कितने में टिल्लू बेचते हैं? 100 रुपये. यवतमाळ जिला अंतर्गत वनी तालुका कैलाश नगर मंगोली माथुली गांव में देसी दारू भट्टी के लिए जो परवाना दिया गया, तकरीबन 6 महीना हो गए यहाँ पे सरे आम शासन का धजिया उड़ाई जा रही है. यहाँ पर शराब जो भट्टी चल रही है, भट्टी में 4 बजे से शराब की अवैध तस्करी शुरू हो जाती है. ये बताया गया है कि ये शराब की जो भट्टी चल रही है अन्य महिला के नाम से है और कोई अन्ना नामक इस भट्टी को चला रहा है. इस भट्टी से कुछ अन्ना ने अपने गुर्गे पार रखे, जो गुर्गे द्वारा यहाँ के सटे राजूरा बल्लारसा जीवती चंद्रपुर जिला के ऐसे कई गांव है जहाँ पर दारू की अवैध तस्करी शुरू है. यहाँ के नागरिकों का कहना है कि इस भट्टी का लाइसेंस रद्द किया जाए. इस शराब भट्टी से यहाँ के नागरिकों और मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हो रही है. नागरिक और यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि इस लाइसेंस को रद्द कर और इस गांव में शांति और सुव्यवस्था का वातावरण प्रदान करें.